नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समृद्ध मध्य प्रदेश का विजन किया साझा। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने सरदार पटेल स्कूल करोल में छात्र छात्राओं को लेखन सामग्री की वितरित। और सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने सासाकावा इंडियन लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट मीट में कुष्ठ रोगियों से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समृद्ध मध्य प्रदेश का विजन साझा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील और फिर विकसित राज्य बनाने के बाद अब समृद्ध राज्य बनाएंगे। उन्होंने विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना निर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्रों का रोडमैप पहले ही तैयार है और इन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में अब उत्पादन की चुनौती लगभग खत्म हो गई है। अब उत्पादन की गुणवत्ता, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और दोगुना आय बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा। उधर सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने आज राजधानी भोपाल के सरदार पटेल स्कूल करोन और लक्ष्मी मंडी स्कूल में छात्र छात्राओं को लेखन सामग्री वितरित की। राज्य मंत्री सारंग ने बच्चों से कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें और जीवन में उच्च आदर्शों को प्राप्त करें। उन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति के मिशन एजुकेशन द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं की मदद की सराहना की। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट मीट 2018 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों की सहकारी समितियां बनवाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रदेश की सभी 33 कुष्ठ कॉलोनियों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को पट्टे दिए जाएंगे। जहां पट्टे दिए जाना संभव नहीं है, वहां उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। कोई भी कुष्ठ रोगी बेघर नहीं होगा। सारंग ने कहा कि कुष्ठ रोगी भी समाज का अहम हिस्सा है। उधर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में तात्या टोपे मैदान के सामने अग्रवाल समाज द्वारा नवीन अग्रसेन चौक का लोकार्पण और अग्रसेन महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अग्रसेन महाराज को माल्यार्पण कर उनको नमन भी किया। इस मौके पर कलेक्टर शिल्पा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर, पौरी विधायक प्रहलाद भारती, पूर्व विधायक देवेंद्र जैन, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष निर्मल गुप्ता, मध्यदेशी अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत जैन मंचासीन थे। इस मौके पर समाज बंधु भी उपस्थित थे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मिश टीवी। नमस्कार।